unfortunately, six anti-Naxal squad jawans have been killed in a landmine blast. जी बिल्कुल, लातेहार का इलाका है झारखंड का, जहां पर नक्सलियों ने इन पर अटैक किया. एक पुलिस की व्हीकल थी, सिक्योरिटी गार्ड्स की जो व्हीकल थी, उसके ऊपर लैंडमाइन ब्लास्ट का असर पड़ा है और जाहिर तौर पर एक्सप्लोजन होने की वजह से वो जो व्हीकल है वो उड़ गई है. और ये तस्वीर आप उस व्हीकल की देख सकते हैं, लैंडमाइन का ये ब्लास्ट है जिसका सीधा असर पड़ा है. और हमारे सहयोगी हरिवंश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं. हरिवंश, क्या पता चल रहा है इस ब्लास्ट के बारे में अब तक? अंजलि, ये घटना कल शाम 6 बजे की है. झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती का क्षेत्र है बूढ़ा पहाड़ एरिया. इसमें पिछले 3 दिनों से एंटी नक्सल ऑपरेशन पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा था. कल भी इसी दौरान पुलिस जब लौट रहे थे ऑपरेशन करके, तो अचानक एक ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट में 6 जवान झारखंड जगुआर के शहीद हुए हैं और करीब 5 जवान घायल हुए हैं. घायलों को तत्काल वहां के लातेहार के सदर अस्पताल भेजा गया. बाहर बताते हैं, जितने जवान जो जिनकी डेथ हुई थी उनके सारे हथियार भी लूट के ले गए हैं. लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये लगातार ऑपरेशन झारखंड में होता जा रहा है, और जिसके कारण नक्सली का मनोबल बहुत काफी गिरा है. तो ये इस तरह की, हरिवंश माफ करना, आप एक और चीज बता सकते हैं हमें, जो इंजर्ड हैं, हमने सुना है 5 लोग इंजर्ड हैं, 5 जवान इंजर्ड हैं, इनमें से कितने क्रिटिकल हैं? 5 जवान अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. सभी को रांची के रिम्स हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, जहां बेहतर इलाज के लिए उनको वहां से भेजा गया है और यहां इनका इलाज चल रहा है. लेकिन यहां के जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि अभी खतरे से बाहर हैं. हो सकता है यदि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो और बड़े हॉस्पिटल में इनको भेजा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उनकी स्थिति अच्छी है.